हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एट अनदर यूट्यूब लाइव। आज हम लोग सीखेंगे सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका? पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बताते हैं, कैसे लर्न करना है, क्या करना है। सब लोगों से अगर आप कुछ कुछ सीखोगे तो काफी कुछ आप सीख सकते हो। मैं आपको दो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। पहले तो आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है पीरियोडिक टेबल को, फिर एक पीरियोडिक टेबल में आपको उसको कैसे याद करना है जिसमें आप सारी चीजों को एक साथ याद कर सको, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक साथ याद कर सको, सो दैट आपको उसको टाइम एंड अगेन रटना ना पड़े, रॉट मेमोराइजेशन ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये रहा आपका एक टिपिकल पीरियोडिक टेबल, कैसे होता है, किस टाइप का फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे हम मेमोरी टेक्निक्स जब सीखते हैं या सिखाते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं कि कोई भी चीज को आपको 3D देखना चाहिए, एक 3D इमेज देखनी। जैसे आप क्यूब देख रहे हो तो क्यूब आपको तीनों तरफ से देखना चाहिए। कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसमें से सारी चीजें मेकआउट कर पाओ, सारी चीजें आपको समझ आए कि किस बारे में है और कहाँ से चल रही है। तो एक वेबसाइट है sciencenotes.org, सारी इंफॉर्मेशन फ्री है, नेट पे है। अगर आप इंटरनेट का प्रॉपर यूज करोगे तो आपको काफी चीजें सीख सकते हो इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इन्हें दिया हुआ है कि ब्लॉक्स वर्सेस ग्रुप्स वर्सेस पीरियड्स, मतलब किन किन चीजों में आपका पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। पीरियोडिक टेबल आपका डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स इंडिकेट विच इलेक्ट्रॉन सब लेवल इज बीइंग फिल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन का कौन सा सब लेवल फिल्ड है उसके बेस पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ऐसे चार ब्लॉक बने हुए हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और अभी वो एक नया ब्लॉक बन रहा है जी ब्लॉक। जी ब्लॉक सिर्फ उनके लिए है, उन एलिमेंट्स के लिए है जो अभी ऐड होने बाकी है। तो अभी तक तो जी ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि 118 एलिमेंट्स है, और 118 एलिमेंट्स के ऊपर जब भी जाएगा तो जी ब्लॉक में डाल देंगे। और ये सारे बेस्ड हैं आपके ब्लॉक बेस्ड है आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आप अगर देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ उसमें हर घर में एक आधे बच्चे अलग होते हैं तो एक आधे बच्चे एक्सेप्शन उसमें भी हैं, लाइक एस ब्लॉक में है विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट इज रिएक्टिव, और इन एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव है, तो आप जब भी केमिकल रिएक्शन में उनका यूज करोगे तो आपको उनको किस तरीके से यूज करना है या क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या उनके बिहेवियर है आपको पता चल जाएंगे। सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन गेन, लूज और शेयर देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो रिएक्टिव या जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सबसे ज्यादा ये लोग गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। So most p block elements form covalent compounds, the halogens form ionic compounds with s block elements. jitne bhi halogens hai wo ionic compounds banate hain s block elements ke sath mein, aur jitne p block elements hai wo covalent compounds banate hain. covalent bond aapne suna hoga kafi strong hote hain. ye sari cheeze aap aage padhte jaoge to jab bhi aapko ye sare terms aayenge to aapko pata hoga ki aap covalent ka matlab kya hai, kaun se element hai jo covalent compound bana sakte hain. अभी हम लोग सिर्फ एक आपका प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं कि किस बेस पे ये डिवाइडेड है और किस तरीके से है। तो जब भी आप ये टिपिकल टर्म सुनोगे या आप डिफिकल्ट टर्म सुनोगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये इस फैमिली को बिलोंग करता है इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा है। हम बोलते हैं ना कि ये इसने ये टीचर से सीखा हुआ है या ये इनका कोच है, ये पर्टिकुलर क्रिकेटर का या फुटबॉलर का, इसलिए इस तरीके से किक मारता है या इस तरीके से अपने स्ट्रोक्स खेलता है। तो उसी तरीके के आपके जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है वो भी आपके उसी तरीके के फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आपको लर्न करना है कि इनके क्या बिहेवियर और आपको किनके साथ में किस तरीके से किसको किस तरीके से हैंडल करना है। सिमिलरली कमिंग बैक टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड हैं आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये सारी चीजें जब आप टिपिकल पीरियोडिक टेबल स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको उनकी
डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखनी, मेनी ऑफ एब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव. तो रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है और रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, वो सारी चीजें जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पहले आपको सिर्फ उनको डिवाइड कर लेना है, मतलब उनको उनके घर में डाल देना है कि हाँ ये आपका घर है, और वो घर के बाद आपको उनके ऊपर डिटेल स्टडी करनी है, उसके बारे में भी अपन समझेंगे. फिर फाइनली है जी ब्लॉक एलिमेंट. जी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि जी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जो 118 के बाद आएंगे, अभी तक तो कोई आए नहीं है, जब आएंगे तो आप उनको ऐड करते जाओ. ये हो गया आपका ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन. देन आपका है ग्रुप्स. तो आप जब भी एक पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको कॉलम्स बने हुए दिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एक कॉलम के पार्ट हो गए, तो ये ग्रुप वन हो गया. वैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम या स्ट्रॉन्टियम या बेरियम एंड रेडियम, ये ग्रुप टू के पार्ट हो गए. फिर ग्रुप थ्री ऐसे बना हुआ, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, अप टू ग्रुप 18. तो आप उनको पहले तो आपने उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिए, मतलब उनके प्रॉपर्टीज बेस्ड, फिर आपने उनको ग्रुप में डिवाइड कर लिया, और फाइनली वो आपने अभी जैसे कॉलम्स देखे वैसे रोज में भी आप पढ़ सकते हो. तो रोज एक्चुअली कैसे हैं, सारे रोज आप देखोगे वो नंबर बेस्ड है, लाइक हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम दो नंबर है उसका, और दो नंबर क्या है वहां पे एटॉमिक नंबर है. लिथियम तीन पे आता है, बेरिलियम चार पे आता है. तो आप जैसे इसको पढ़ना चाहो कर सकते हो. अब इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, जैसे अभी मैंने आपको वेबसाइट बोल दी sciencenotes.org/periodic table blocks of elements. ये आप देखोगे तो आपको पहले तो और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन मैंने इसे रेफर किया हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये काफी अच्छा इनने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल को रेफर कर सकते हो या किस बेस पे वो डिवाइडेड. कमिंग बैक टू अनदर वेबसाइट दैट इज pubchem.ncbi.lm.nih.gov/periodic table. ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल ग्रुप ब्लॉक, जैसे हमने अभी केमिकल ग्रुप की बात की, आपका पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो आप यहाँ देखोगे कि कौन से ब्लॉक में बैठता है. जैसे हाइड्रोजन को एक कलर दिया हुआ, तो हाइड्रोजन के साथ में जितने भी कलर वाले एलिमेंट है वो सारे हाइड्रोजन के ब्लॉक के. लिथियम जो ब्लॉक में बैठ रहा है उसके कलर के जितने एनिमल एलिमेंट्स हैं सब उसके ब्लॉक के, मतलब वो कौन सा ब्लॉक है वो आपको उस हिसाब से आप उसको रेफर कर सकते हो कि वो पी ब्लॉक का पार्ट हुआ कि एस ब्लॉक का पार्ट हुआ कि डी ब्लॉक का पार्ट हुआ कि आपका एफ ब्लॉक का पार्ट हुआ. ठीक है, कमिंग बैक टू स्टैंडर्ड स्टेट, वो कौन से स्टेट में है, कैसे स्टेट में है, कि सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में, वो भी सारी चीजें आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके एलिमेंट कौन से स्टेट में, लाइक हाइड्रोजन गैस स्टेट में, या आयरन हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, मैंगनीज आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और ब्रोमीन हमेशा आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा. ठीक है, तो आपको जिस तरह से आपको डिवाइड करना उस तरह के तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो. फिर एटॉमिक मास के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, किसका कहाँ से कहाँ तक एटॉमिक मास है, लाइक हाइड्रोजन के लिए 1.0080 है, और सल्फर के लिए 32.07 है, पोलोनियम के लिए 208.98243 है, मेंडेलवियम के लिए 258.09843 है. तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न है, जैसे आपका एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहा है वैसे मोस्टली आपके एटॉमिक वेट भी बढ़ रहे हैं या एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो कोई भी चीज में आपको पैटर्न देखना ज्यादा जरूरी है. अभी तक हमने एक भी स्ट्रेटेजीज नहीं सीखी है जिसके बेस पे हम इसको याद करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा, और वो छोटे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कैसे हम उसको कर सकते हैं, और मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप लेके आपको बताऊंगा. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका क्या है, लाइक 1s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी भी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो कि उसका मतलब क्या होता है, हाउ दे हैव अरेंज्ड इट. ओके, 1s1 1s2, फिर 2s1 2s2, इस हिसाब से आप उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वैलेंस है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है या ले सकते हैं, या कैसे वो रिएक्शन कर सकता है, वो सारी चीजों में पढ़ सकते हो. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका,
देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, या पॉलिन क्या उसको बोलते हैं, पॉलिन स्केल, एटॉमिक रेडियस क्या है, या वैंडरवॉल पीएम, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, ये सारे चीजें आपको यूज आएंगे जब आप केमिकल रिएक्शन में एक एक एलिमेंट्स का यूज करोगे या किसी भी एलिमेंट्स का यूज करोगे तो आपको पता होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक वेट कैसे ये होता है। तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अभी तक आपने देख लिया कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे है, अब आपको ये है कि हाँ वो उसी जगह पे वही पर्टिकुलर फैमिली में मैं उसको कैसे याद करूँ। और भी सारे पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी और कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इनने इस वेबसाइट पर कवर कर रखी है। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि आपको कैसे कैसे आप उनको कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एक एक चीजों को, पीएनजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको अलग अलग रेफर करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जो भी चीजें आप करो मोस्टली आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, रिफर करो वेबसाइट लेकिन नोट्स हैंड रिटन बनाओ। हैंड रिटन बनाने से क्या होगा कि आपकी मोस्ट ऑफ द सेंसेस आप उसमें यूज कर रहे हो, आपका विजुअल सेंस यूज कर रहे हो, आपका किनेस्थेटिक सेंस यूज कर रहे हो राइटिंग, एंड इवन आप बोल के अगर कर रहे हो तो आप अपना ऑडिटरी सेंस भी कर रहे हो, और अगर आप किसी को पढ़ा भी रहे हो, किसी को टीच भी कर रहे हो, जो भी चीजें सीख रहे हो किसी को टीच भी कर रहे हो तो भी आप ऑडिटरी सेंस यूज कर रहे हो। चलो सो लेट्स मूव टू अ मेमोरी टेक्निक, हाउ टू मेमोराइज दिस। मैं एक ही एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो भी आपको ग्रुप वन का। सो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और ये मोस्टली आपका कवर्ड है आपके कॉलम वाइज। सो इसमें आते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, शुरुआत में आपको आना चाहिए उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, और भी जो भी इंफॉर्मेशन आनी है आपको इसके आगे ऐड करते जानी है, और आपको उसके उसको एक इमेज देते जानी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इमेज देते जाओगे वो आपका फ्रेंड बनता जाएगा, क्योंकि आप उसकी स्टोरी पता है, आपने उसका बायोडाटा निकाल लिया और वो बायोडाटा के बेस पे आप उसको आपने अपने मेंटल फाइलिंग सिस्टम में उसको डाल दिया। लाइक हाइड्रोजन के लिए मैंने इमेज ली है वाटर बॉटल की, वाटर का कंपोजिशन होता है H2O। तो आप H2O बोलोगे पहला चीज क्या बोलते हो, आप H बोलते हो, H इज हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन बना मिलके आपका वाटर बनाता है, तो वाटर बॉटल में क्या होगा, वाटर, वाटर विल बी योर ब्लू फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसका सिंबल क्या होता है, एच ई, तो एच ई से सॉरी हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, वेरी सॉरी फॉर दैट, तो एच से आपका बन सकता है। सो आप क्या देख सकते हो कि एक एन है वो स्कूल जा रही है, गले में वाटर बॉटल लटकाया हुआ है, टाई पहनी हुई है, स्कूल जाने के टाइम आप लोग को टाई पहनना पड़ता है, और एक फजी टिश्यू दिया हुआ है। फजी टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू है जिसका सरफेस प्रॉपर नहीं है, खुरदुरा है, ठीक है। आप टिश्यू रुमाल लेते हो या हैंडकरचीफ लेते हो, उसने फजी टिश्यू दिया हुआ है, कौन, एक हेन। क्लोज करो आपकी आई, आप देखो एक हेन है जिसने टाई पहनी हुई है, वाटर बॉटल लटकाई हुई है और फजी टिश्यू देखे जाए, आपका हाइड्रोजन का चार इंफॉर्मेशन क्लियर हो, हाइड्रोजन का नाम, फिर उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट। फजी टिश्यू कैसे आपका, या टिश्यू जो फजी है वो कैसे आपका एटॉमिक वेट का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, 1.0080, 1 हो गया आपका ट, 0 हो गया आपका स, फिर अगेन 0 हो गया आपका स, 8 हो गया आपका फ, और 0 अगेन हो गया आपका स या ज, ओके। सो इधर टिश्यूज, टिश्यू की जगह आपको टिश्यूज करने पड़ेंगे, अगर एक टिश्यू नहीं लिया उसने काफी टिश्यूज लिए, तो आपका पूरा 100 कवर हो जाएगा। या आप और भी दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने इमेजेस बनाई वही इमेजेस आप बनाओ, तो यहाँ पे बड़े नंबर्स हैं, तो आपको इमेजेस भी बड़ी बनानी पड़ेगी, या आपको बड़े कीवर्ड साथ में देने पड़ेंगे। लाइक आप 2 digit के कीवर्ड लोगे तो शायद आपको वो चीज नहीं मिले, 2 का कीवर्ड लेके भी आप वो
इनके साथ में एसोसिएट कर दो, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगी या सारी चीजें आपको दिखेंगी कि हाँ हेन है, वाटर बॉटल लटकाई हुई है, फिर टाई पहना हुआ है, फिर एक फजी टिश्यू लेके जा रही है या फजी कुछ और लेके जा रही है। तो आपको नंबर्स वहां पे आने चाहिए, बस इमेजेस आपकी खुद की हो, मेरी नहीं, मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ कैसे आपको बनाना। सिमिलरली लिथियम के लिए, लिथियम का सिंबल है Li और इसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसका एटॉमिक मास है 7। सो लिथियम के लिए, लिथियम किस में पड़ता है, किस में यूज होता है, बैटरीज। तो मैंने लिथियम का मेरा कीवर्ड है बैटरी। Li से मुझे, अगर मैं कोई मुझे बोले Li तो मुझे Li सबसे पहला क्या याद आएगा, बीच, फ्रूट, फल। 3 का मेरा इमेज है मे, 7.0 का मेरा इमेज है केस। 7.0 लिखा हुआ, 7 नहीं लिखा हुआ, 7.0 क्योंकि ये वेरिएबल है, टाइम के हिसाब से बढ़ते रहता है या कम होता है। 7.01 भी हो सकता है, 7.02 भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एटॉमिक वेट में इतना ज्यादा, मतलब आपको एक इमेज बना के रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल भी है, आगे पीछे भी होते रहते हैं। तो आप एज एंड वेन उसके लिए एक अलग से इमेज बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल उसके लिए इमेज हो गई आपकी केस की। तो आप क्या सोच सकते हो, लिथियम बैटरी, आप लिथियम बैटरी को आपने फोड़ के देखा, ओपन करके देखा, उसमें से लीची ली, लीची में आपको एक केस पेपर मिला या एक केस मिला जो आपने मे में रखा हुआ, मे मंथ में रखा हुआ था और काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, आपको मिला। तो आपको मोटिवेशन हो गया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था और मुझे कहाँ मिल गया, और जब मैंने बैटरी ब्रेक की उसमें लीची मिली, लीची के अंदर मुझे वो केस पेपर मिला। तो लीची फ्रूट भी हो सकता है या एक बड़ी बैटरी तोड़ी आपने, कोई भी बड़ी बैटरी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपकी छोटी पेंसिल से लो, बड़ी बैटरी तोड़ी हो उसमें बहुत सारी लीची पड़े हुए और उसी के अंदर आपका मे और केस पेपर पड़ा है जो आपने मे में छुपा के रखा था उसमें, सो दैट वो किसी और को नहीं मिले, आप ही को मिले जब जरूरत हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका लिथियम भी कवर होगा, हाइड्रोजन हमने कवर कर लिया, लिथियम हमने कवर कर लिया। कमिंग टू सोडियम, सोडियम, सोडियम से आपको पहली चीज क्या आती है, मुझे सोडियम से पहला चीज आती है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। सोडियम का आपका सिंबल क्या है, Na, Na जब भी आप सुनते हो तो आप क्या सुनते हो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 11 का मेरा इमेज है टोर और इसका एटॉमिक मास है 22.989769। सो यहाँ पे फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। आपने टोर को पूछा तुमको सॉल्ट चाहिए, तो बोलता नहीं, सॉल्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन माई केस, मुझे नहीं चाहिए होता है सॉल्ट, कोई भी चीज में सॉल्ट नहीं चाहिए होता। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि वो बहुत कनिंग है, वो क्या कर रहा है, नान पैक कर रहा है, पफ पैक कर रहा है, क्योंकि उसको मे में शिप पे जाना है, मे में उसको शिप पे जाना है, रोड है, वाटर एनिमल है, शिप पे जा सकता है, उसको शिप में जाना है और नान पैक कर रहा है, पफ पैक कर रहा है, तो उसमें क्या सॉल्ट नहीं होगा, सॉल्ट होगा ना उसमें। सो एक्चुअल में वो सारी चीजें पैक कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा है कि सॉल्ट मेरे लिए नॉन एप्लीकेबल, मे बी ये भी सोच सकते हो, नहीं तो वो टोड बहुत ईमानदार है और वो नान और पफ ऐसे पैक कर रहा है जिसमें नमक न हो, जिसमें सॉल्ट न हो, ठीक है। और शिप में ऑलरेडी जब भी समंदर में जाते हैं तो समंदर के अंदर क्या होता है, नमक होता है, उसको नमक की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, खारा पानी है, खारे पानी से वो अपना काम चला सकता है, ठीक है, या उसको नमक लगता ही नहीं, या वो नमक इज कम्प्लीटली नॉन नॉट एप्लीकेबल फॉर, ओके। सो आपका सोडियम भी कवर हो गया। ऐसे अभी हमने हाइड्रोजन कवर कर लिया, हेन है, हेन ने टाई पहना हुआ है, फिर हेन वाटर बॉटल लटकाई हुई और फजी टिश्यू लेके जा रही है। लिथियम आपका हो गया, लीची है, बैटरी है, ब्रेक किया, लीची है और आपको केश पेपर मिल गया। तो ऐसे ऐसे चार चार इन्फॉर्मेशन आप कवर करते जाओ। मैं आपको एक ग्रुप वन पूरा बता देता हूँ जिससे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन बनाने में आसानी है। पोटेशियम, पोटेशियम पहला चीज जब आप पोटेशियम सुनते हो तो आपको क्या समझ आता है, पोटेशियम किससे, मतलब अगर आपको समझो पोटेशियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पोटेशियम आपको पहला चीज क्या सुनने में आएगा, पॉट, कोई भी पॉट, ओके। वो पॉट का आपने काइट बना दी या आप वो पॉट आपके काइट पे लटकी, बहुत बड़ी बड़ी काइट बनती है आजकल, ओके। वो काइट मतलब आप किसी काइट को बनाना सीख रहे हो टैब में, यूट्यूब पे ही देखते हो, ठीक है, तो टैब पे बनाना सीख रहे हो और वो आपको किस पे अपलोड करना है, एफबी पे, किस पे अपलोड करना है, एफबी पे, कब अपलोड करना है, मे में, और कौन से सेक्शन में अपलोड करना है, आपके मैप्स के सेक्शन,
ठीक है, मैप्स के सेक्शन में अपलोड करना है, एफबी पे अपलोड करना है, मे में अपलोड करना है, और क्या करना है आपको, एक पॉट का गाइड बनाना जो आप टैब में सीख रहे हो, और आपको वो आपके मैप सेक्शन में अपलोड करना है, एफबी में अपलोड करना है और मे में करना है। तो 39.0893, 39 इज मैप्स, 39.0 इज मैप, 390 इज मैप्स, देन 89 इज एफबी एंड 3 इज मे। ठीक है, सो आपने सारे उसके एटॉमिक मास कवर कर दिए, टैब आपका 19 टैब हो गया, के आपका काइट हो गया, पोटेशियम आपका पॉट हो गया। नेक्स्ट है रूबीडियम। रूबीडियम से आपको क्या समझ आएगा, पहली चीज आपको सेम वही चीज देखना है कि जब मेरे को इसके बारे में, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं हो, तो रूबीडियम से क्या बनेगा, रूबीडियम से बनेगा रूबी। ठीक है, आरबी, आरबी से क्या बनेगा रब, तो क्या हो सकता है, रब हो सकता है, वेपोरब हो सकता है, या कोई भी चीज। तो मेरा इमेज बनता है विक्स वेपोरब का। 37 मेरे लिए इमेज क्या है, माइक, माइक, माइक। और 85.468 का क्या है, फ्लोर शेप। 854 इज फ्लोर, 8 इज फॉर, 5 इज ल, आर इज र, फ्लोर शेप। सो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है, कोई भी ऑटो में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है। सो ग्राउंड फ्लोर का जो शेप है वो माइक के साथ में कुछ कर रहा था, माइक के साथ में कुछ कर रहा था, तो उसको चोट लग गई या उसको छींक आ गई, तो उसने वेपोरब लगाया। वेपोरब जैसे उसने लगाया तो वेपोरब में से उसको क्या मिला, रूबी। वेपोरब में से रूबी की रिंग मिली उसको। ठीक है, कोई भी लकी हो सकता है, किसी को कुछ भी मिल सकता है। मोटिवेशन लाना है, इमेज लाना है, एक शेफ है, शेफ ने अपना पूरा ड्रेस पहना हुआ है, उसने क्या किया, वो माइक पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था, उसको चोट लगी या छींक आ गई, उसने रब वेपोरब किया, रब लगाया, और जैसे ही वो रब लगा रहा था तो उसको कुछ फील हुआ, तो उसको क्या दिखा, रिंग मिल गई उसको। ठीक है, कितना लकी आदमी, उसको रिंग मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट है सीजियम। सीजियम का क्या इमेज हो सकता है, जैसे आपको सीजियम ना पता हो तो सीजियम का मेरा इमेज है सीजी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। सीएस हमने हमेशा सुना है, सीएस एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका सीएस कैसा है, ओके, कम्युनिकेशन स्किल। आपका कुछ और इमेज हो सकता है, मेरा सीएस का इमेज समझो कम्युनिकेशन स्किल है। 55 मेरे लिए लिली है, और 132.9054520, अगर आपको एक बार ही दिखाया जाए तो 132.9054520 आपके लिए बहुत डरावना नंबर हो, लेकिन ये बहुत सिंपल कैसे बन जाएगा कि टिमोन की पसली में पेन है, टिमोन की पसली, हड्डी पसली बोलते हैं टिमोन, पुम्बा, आपने अगर लायन किंग्स देखा हो तो टिमोन की पसली में पेन है, और रिलैक्स करने के लिए नाइस टैबलेट खा रहा है, रिलैक्स करने के लिए नाइस टैबलेट खा रहा है, नाइस टैबलेट पेन किलर है, तो टिमोन क्या कर रहा है, पसली में पेन है तो रिलैक्स करने के लिए नाइस टैबलेट खा रहा है। तो आपने वो नंबर कवर कर लिया, और अब आप कैसे सीजी कम्युनिकेशन स्किल और लिली को कैसे कवर करोगे वहां पे, कि टिमोन की पसली में पेन कैसे हुआ, वो लिली फ्लावर तोड़ रहा था। लिली फ्लावर उसको क्यों तोड़ना था, क्योंकि उसको अपने टीचर को देना था जो उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, पूजा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए लिली फ्लावर होंगे। और वो ये सब कहाँ पे हो रहा है, सीजी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोग अपने टीचर को बहुत सम्मान देते हैं, तो इसलिए टीचर जो बोलती है वो सुनते हैं, उनको एक गुरु की तरह पूजा करते हैं। ये सारी आपको थोड़ी सी फीलिंग लानी पड़ेगी, थोड़ी सी इमोशन लानी पड़ेगी। तो आप सीजी कनेक्ट कर दोगे, कम्युनिकेशन स्किल कनेक्ट कर दोगे, लिली कनेक्ट कर दोगे, और टिमोन का पूरा पेन कनेक्ट कर दोगे। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन आपने एक ही में पिरो दी, या एक ही में आपने बांध दी या चेन बना दी, तो सीजियम कवर हो गया। सिमिलरली फ्रेंशियम, फ्रेंशियम के लिए क्या है, फ्रेंशियम पहला चीज जब आप सुनोगे तो फ्रेंच सुनाई देगा। ठीक है, पहला चीज जो आप सुनोगे तो फ्रांस में आएगा, फ्रांस आपका एक इमेज हो गया, फ्रांस आपका जो भी इमेज, मे बी आपका आइफल टावर इमेज हो सकता है, या जो भी इमेज, वहां पे आइफल टावर के पास आप गए हो, बहुत फॉग है, कंप्लीटली फॉग है, 87 आपका हो गया फॉग का, बहुत फॉग है, तो आपको क्या लग रहा है कि फॉग नहीं है, फायर लगी हुई, तो आप क्या पहन के जा रहे हो, फायर रिटार्डेंट शूट पहन के जा रहे हो, लेकिन जब फॉग क्लियर हुआ तो आपको क्या दिखा कि वहां पे नानी और मासी आप टैब में कोम करना सीख रहे हैं, कोम कैसे करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं सीख रहे हैं, कौन सीख रहा है, नानी और मासी। तो फ्रांस क्या हो गया, आपका ननिहाल हो गया, या आपका नानी का घर हो गया। ठीक है, वहां पे आप फायर रिटार्डेंट शूट पहन के जा रहे हो, फॉग क्लियर हो रहा है, तो आपको नानी और मासी दिख रही है, और वो लोग टैब में कुछ सीख रहे हैं। ठीक है,
इस तरीके से आपने फ्रांसियम कवर कर लिया, सीजियम कवर कर लिया, रुबिडियम कवर कर लिया, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कवर कर लिया। तो एक बार आपका ग्रुप वन कवर हो गया, ग्रुप वन को आप 18 डेज में पूरा आपको पीरियोडिक टेबल को पहले तो आप स्प्रेड करो कि मैं 18 डेज में इसको पढ़ूंगा। कोई जल्दी में मत करो, 18 डेज में करो। पहले दिन आप ग्रुप वन को पूरी तरीके से याद करो, पूरी तरीके से मतलब इस तरीके से याद करो, रटो मत, इस तरीके से याद करो। और उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन बताया, आपको इसकी 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 12 इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे को एक स्टोरी में फिरो। एक स्टोरी में आपको बनाने के लिए, ग्रुप वन बनाने के लिए हो सकता है आपको 1 घंटे चलेंगे। पहले दिन हो सकता है ग्रुप वन बनाने के लिए आपको 1 घंटे चलेगा। दूसरे दिन वही ग्रुप टू को बनाने के लिए हो सकता है आपको 50 मिनट्स लगे, फिर 40 मिनट्स लगे, फिर 30 मिनट्स लगे। तो जब तक आप ग्रुप 18 पे जाओगे, हो सकता है आप 10 मिनट में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बना के रेडी कर लो। लेकिन तब तक आपके पास इतना डेटा हो जाएगा, इतनी चीजें आपको याद हो जाएंगी कि आप अपने ब्रेन के ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि हाँ यार मैंने इतना पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपने ये तो बना लिया, अब इसको रिफर कैसे करना है? मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। तो आपने अगर माइंड मैप बनाया, टोनी बुजोन सर ने बहुत बढ़िया आपको एक टूल दिया हुआ है, आपने माइंड मैप बनाया, माइंड मैप के ऊपर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी हैंड रिटन नोट्स में। एक बार इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसको आप 1 घंटे बाद रिफर करो, जो भी चीज आज किया है आपने 1 घंटे बाद रिफर करो। ये पूरा माइंड मैप आपको मैं वापस से अगर बताऊं तो रेफर करने के लिए कितना टाइम जाएगा, ये पूरा चीज 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे में जो भी चीजें आपने प्रिपेयर की उसको आपको रेफर करने के लिए कितना जाएगा, 2 मिनट। फिर आप उसको 1 दिन बाद वापस रेफर करो। आप वापस पीरियोडिक टेबल कल पढ़ने वाले हो, ग्रुप टू का, ग्रुप टू की स्टडीज कंप्लीट होगी, तो जब आप ग्रुप टू का अपना वापस से रिविजन करने वाले हो तो ग्रुप वन का भी रिविजन उसी घंटे कर लो, ठीक है? ग्रुप टू का रिविजन के साथ में ग्रुप वन का रिविजन कर लो। So, जब आप ग्रुप टू के साथ में ग्रुप वन का रिवीजन कर लोगे तो आपको वो चीज पक्की हो जाएगी। फिर आपको ग्रुप वन का रिवीजन परसों वापस नहीं करना, तब आपको करना 1 हफ्ते बाद, तब आपको करना 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद वापस ग्रुप वन का रिवीजन करो और 1 महीने बाद वापस ग्रुप वन का रिवीजन। सेम शेड्यूल रखो आपको ग्रुप टू के लिए भी, सेम शेड्यूल रखो ग्रुप थ्री के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, अप टू 18। यही शेड्यूल रखोगे, 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप को आप इस तरीके से पढ़ो। और 18 ग्रुप को एक बार आपने पढ़ लिया, आपने 4 टाइम का रिवीजन कर लिया, मतलब 1 घंटे बाद रिवीजन, 1 दिन बाद रिवीजन, 1 हफ्ते बाद रिवीजन और 1 महीने बाद रिवीजन, जब आपने कर लिया, आप रेडी कर लोगे ग्रुप्स को इस तरीके से कि आपको इसको वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे जैसे हम लोग थोड़ी सी धूल झाड़ते हैं कोई चीज के ऊपर से, वो माइंड मैप को वापस रेफर कर लो। आप जब भी जाओगे एग्जाम के लिए, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी की, हेन थी, टाई पहना हुआ था, फिर वाटर बॉटल लटकाई हुई थी और एक फजी टिश्यू लेके वो चली गई थी। हो गई 4 इन्फॉर्मेशन आपकी, बाकी और भी आपने उसमें इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो और थोड़ी स्टोरी को और डिस्टिंग बनाएंगे। लेकिन आपको ये करना है कि आईज क्लोज करके वो पूरी चीजों को देखना है। वो हेन को स्कूल की ड्रेस पहनानी है आपको, या टाई पहनानी है उसको, या वाटर बॉटल उसके गले में लटकानी, जो आपने देखे एनिमेशन मूवीज में या जो लोग करते हैं। तो आपको अपने विजुअलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको हाइड्रोजन के लिए वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैं आपको टाइम एंड अगेन बताते जा रहा हूँ कि ब्रेन की इमेज, ब्रेन का जो लैंग्वेज है वो इमेजेस है, ब्रेन का लैंग्वेज है नंबर्स नहीं। 13290545520 अगर आपको याद करना है सीजियम के लिए, आप रट सकते हो, आप ध्यान में नहीं रख सकते, लेकिन टिमोन के पसली में दर्द है उसको रिलैक्स करने के लिए वो नाइस खा रहा है, ये आप याद कर सकते हो। आप चाहो नहीं चाहो इसको जब आप डिकोड करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। और आपको अगर कंफ्यूजन भी हो कि हाँ ये डेसिमल प्लेसेस को कैसे याद करना है, तो आप यहाँ पे भी देखोगे जैसे आपके एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे आपका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें जा रहे हैं आपके एटॉमिक मास वाले सेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि 1.1 का किसमें है, 4 का किसमें है, मतलब बिलो 10 वाले कौन से हैं, अप टू बेरियम। 10 से लेके 20 वाले कितने हैं, नियॉन तक। 20 से लेके या 22 से लेके 30 वाले कितने हैं, या 22 से लेके 40 वाले कितने हैं, या ये इसको भी आप रो वाइज याद कर लो, एटॉमिक नंबर्स को रो वाइज याद कर लो। हाइड्रोजन हीलियम इसमें पकड़ लो, लिथियम से नियॉन दूसरे इसमें पकड़ लो, सोडियम से
एर्गोन तीसरे इसमें पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसका करते जाओ, जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे आपको ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं आएगी। बस आपको इतना देखना है कि 2 डिजिट कहाँ पे खत्म होता है, लाइक टेक्नीटियम पे या टेक्नीशियम पे आपका 2 डिजिट खत्म होता है, और उसके बाद रुथेनियम से आपका 3 डिजिट एटॉमिक मास चालू होता है 101, और वो कहाँ तक जाता है, लाइक 100 से 150 वाले कितने हैं, 150 से उसके ऊपर वाले कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 150 आपका समेरियम पे खत्म होता है, यूरोपियम आपका 151 से चालू हो जाता है, फिर 200 तक जाते जाते आपको कहाँ तक, 200 कहाँ तक जाना लेके जा रहा है, 200 आपका मरकरी तक जा रहा है या मर्क्यूरी तक जा रहा है, मर्क्यूरी के बाद वापस से थैलियम जब चालू होता है तो 204 चालू हो जाता है, तो 204 से 250 कौन से हैं आपके, 250 तक आप लेके जा रहे हो कैलिफोर्नियम को, तो आप बर्केलियम तक ही पकड़ो, कैलिफोर्नियम को 251 से पकड़ लो, और ऐसे ऐसे आप ग्रुप बना लो कि हाँ इसके बाद के जितने भी, क्योंकि नंबर्स आपको याद हो जाएंगे जब आप ऐसे करोगे, तो आपको नंबर एटॉमिक नंबर्स याद हो जाएंगे, सारे ग्रुप याद हो जाएगा, फिर आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो याद हो जाएंगे, और आपको ये भी पता है कि आपने किस बेस पे बनाया है, आपके ब्लॉक पे के बेस पे बनाया है, कौन से एलिमेंट्स को ब्लॉक के बेस पे लिए और कौन से एलिमेंट्स को आपने ग्रुप के बेस पे लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ग्रुप से उसको ये करो, और ब्लॉक आप उनके कैरेक्टरिस्टिक आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ब्लॉक्स हमेशा ध्यान में रहेंगे, मतलब पहले उसको ऑर्गेनाइज करो ग्रुप के बेस पे, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करो ब्लॉक के बेस पे, और 2 माइंड मैप बनाओ, एक माइंड मैप बनाओ आपका ग्रुप के बेस पे, एक माइंड मैप बनाओ आपका ब्लॉक के बेस पे। सो जब एक बार 18 डेज का आपका पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा तो आप उसको ब्लॉक के बेस पे वापस पढ़ लो, क्योंकि ब्लॉक में आप जब भी ब्लॉक का पढ़ोगे तो आपको वहां पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और कुछ टिपिकल टर्म्स भी, कोवेलेंट क्या होता है, फिर उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्टिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें पढ़ के उनके लिए आपको कीवर्ड्स निकाल के वहां पे डालने पड़ेंगे, तो एक अलग एफर्ट डाल के आप उसको करना पड़ेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, लाइक डिमित्री मेंडलिव ने ये चालू किया था 1869, वो भी आपको याद करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोट बताए हुए हैं, तो डिमित्री मेंडलिव को आप याद कर सकते हो मेंडल से, मेंडलिव को जरूरी नहीं कि आपको उसी से याद करो, आज के दिन में आपके लिए दिमित्री का क्या इमेज है वो आपको देखना है, दिमित्री का मेरे लिए हो सकता है मित्र का इमेज हो सकता है, मेरा एक मित्र है मेंडल या मेरा फ्रेंड है मेंडल, 1869 मेरे लिए, एक तो 1869 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियंस के लिए क्यों है, क्योंकि उस साल ही गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, सो वो भी आप कर सकते हो, येलो जीप भी आप कर सकते हो, येलो जीप 18 मेरे लिए, 18 कलर है येलो और 69 मेरे लिए है जीप या शिप, ओके, सो मेरा फ्रेंड मेंडल येलो शिप में बैठ के ये सारी चीजों का पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर इसके बारे में आज इसको कौन मैनेज कर रहा है, तो आप यहाँ देखोगे तो इन्हें खुद भी बताया IUPAC, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसको इनने खुद भी एक अलग से इमेज दी हुई है, आईस को आपने पैक करके रख दिया, आईस को पैक करके रख दिया, वो लोग आज इसको मैनेज कर रहे हैं, सो IUPAC जब आप देखोगे I.U.P.A.C, सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आगे इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास आपका चेंज होता है, कब क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इन शॉर्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की आप एक पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज करोगे, कैसे रीड करोगे, और कैसे उसको अपना फ्रेंड बनाओगे, गुलाम नहीं फ्रेंड बनाओगे, क्योंकि फ्रेंड आपकी बात सुनता है, कोई भी फ्रेंड होता है आपकी बात सुनता है, आपको एडवाइस भी प्रॉपर करता है कि हाँ ये इसको आपको इस तरीके से करना है या इसको आपको इस तरीके से करना है, वो आपका गुलाम नहीं होता, वो आपको अच्छी चीजें बताता है, आपके अंदर कोई गलत भी चीज हो तो भी उसको बोलता है कि नहीं इसको इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो, तुमको फायदा देगा, तो उसको फ्रेंड बनाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन को फ्रेंड बनाओ, और फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो, तो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि इसको आप खेल कैसे सकते हो, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि आप इसको खेल कैसे सकते हो, तो वही सेम वेबसाइट पे आप जाओगे तो उन लोगों ने एक बना रखा है कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स गेम,
पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ये। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपका लेवल डिसाइड करना है, इजी है कि मीडियम है कि हार्ड है, और उसके बाद आप उसको प्ले नाउ कर लो, ठीक है। तो प्ले नाउ में आप जब जाओगे तो आपको रूल्स एंड एवरीथिंग मिलेंगे, आपको प्ले कैसे करना है, ठीक है। फिर आपका कितना स्कोर है, सी बोर्जियम कौन से नंबर पे आ रहा है, या सी बोर्जियम आपको फाइंड आउट करना है सी बोर्जियम कौन से नंबर पे, सी बोर्जियम आपके कौन से नंबर पे है, सी बोर्जियम आपका आ गया 99106, यस, यू स्कोर 73। अभी आपको एंटीमनी ढूंढना है, एंटीमनी कहाँ पे आएगा आपका 51, यस। सो आपने और एक्सप्लोर कर लिया। न्यूडियम कहाँ आएगा आपका, न्यूडियम इसने नाम नहीं लिखे सिर्फ सिंबल्स लिखे, तो जब आप ये सारी चीजें रेफर कर लोगे तो फिर आप इसे खेलना शुरू कर दोगे। ये तो न्यूडियम है, न्यूडियम के लिए आपको जाना होगा एन एन एन, ये तो न्यूडियम है, ये होना चाहिए न्यूडियम, वेरी गुड। एस्टेटाइन कहाँ आ जाएगा फिर आपका, एस्टेटाइन आपके 80 सीरीज में आना चाहिए, बिस्मथ पोलोनियम और 85 का एस्टेटाइन, ठीक है। इंडियम आपका कहाँ आएगा 49, कैलिफोर्नियम आपका कहाँ आ जाएगा 98। तो इस हिसाब से आपके स्कोर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्कोर बढ़ते जाता है तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन आते जाता है, ठीक है। अलग अलग गेम है इसमें, अलग अलग गेम आप खेलोगे तो आपको जो भी आपने किया है उसका आपका रिविजन भी होता जाएगा कि हाँ यार मैं सही चीज कर रहा हूँ, एटी क्या है, एलएन क्या है, एसबी क्या है, एयू क्या है, या गोल्ड को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी का क्या सिंबल है, ऐसे आप अलग अलग गेम इसमें खेल सकते हो। वेबसाइट मैंने आपको बता दी pubcheam.ncbi.nlm.nih.gov, और ए भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको जाना है गूगल में, आपको डालना है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये आप डालोगे तो जो पहली वेबसाइट आपको दिखती है वही दिखती है pubchem.ncbi.lm.nih.gov। तो आप वो वेबसाइट पे जाके इसको एक गेम बना लो, गेम की तरह खेलो, एक फ्रेंड बना लो, फ्रेंड के साथ में खेलो, और फिर आप ये इन्फॉर्मेशन को कभी भी नहीं भूलोगे। केमिस्ट्री में मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट भी है, इसलिए मुझे ये सीखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन आज के दिन में मेरे लिए इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं, यूज है किसी को सिखाने के लिए, किसी को सीखने के लिए, या अपने घर में बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन आपको आप लोगों के लिए इसका काफी यूज हो सकता है जो केमिस्ट्री में मेजर्स कर रहे हैं या जो आज अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ में सिक्स्थ में। तो अगर आप ये अप्रोच रखोगे सीखने का तो आप इसको कभी भी आपको इसका स्ट्रेस नहीं आएगा, आप इसको इस तरीके से सीखोगे कि ये आपको अच्छा लगेगा सीखने, आपको एक मोटिवेशन रहेगा, आपका इसके साथ में अटेंशन होगा, आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, और आपके पास मोटिवेशन भी होगा सीखने का, क्योंकि आप उसको गेम की तरह खेल रहे हो, और आपको पता है कि उसको जब मैं केमिकल में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में उसको यूज कर रहा हूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आप किसी को एनालाइज करते हो तो आप एक्चुअली में उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें जो भी आपका रिएक्शन का पार्ट है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या पर्टिकुलर मेटल से आप क्या क्या बना सकते हो, एलॉयज क्या क्या बनते हैं, वो सारे पार्ट्स आपके मतलब मोस्ट ऑफ 30-40% ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपने इस चीज को कर लिया तो 30-40% केमिस्ट्री आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा। ये पूरी केमिस्ट्री तो नहीं कवर करती, लेकिन 30-40% आपका केमिस्ट्री ईजी हो जाएगा अगर आपने पीरियोडिक टेबल को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ा तो। मैंने कोशिश की है आपको काफी कुछ सिखाने की, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उसके बेस पे इसको सीखते रहना है। तो आज हम इसी नोट पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कल हम फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन से। मोस्टली मैं इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ आपका फिजिक्स टॉपिक से, या बायोलॉजी टॉपिक से, या आपको जिस भी सब्जेक्ट में कुछ, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कि हाँ इसमें मेमोरी टेक्निक्स बन के अपने को मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देना, मैं
उसके ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर एक मेमोरी टेक्निक बना के आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आप इजीली पढ़ सकते हो, कैसे आप उसके साथ में खेल सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई को खेल बनाना है, न कि पढ़ाई से खेलना है, पढ़ाई को खेल बनाना, ठीक है। आप पढ़ाई को खेल बना लोगे तो आपको अपने आप ही, क्योंकि कोई भी गेम खेलना हमें अच्छा लगता है, तो पढ़ाई को खेल बना लो, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे कोई भी चीज को। सो दिस नोट, लेट्स स्टॉप हियर, आज यहाँ रुकते हैं और कल मैं आपको नए इन्फॉर्मेशन के साथ में वापस मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड टिल देन।